आज है होली, पूजा का सामान बना रही हूँ मैं। ये गुलगुले के लिए मैंने आटा घोल लिया था, इसमें चीनी है और आटा है, थोड़ा सा सौंफ है ताकि चीनी आसानी से घुल जाए। और आज का खाना घी में बनता है, तो मैंने यहाँ पर घी लिया है और बस गुलगुले मेरे तैयार हो गए हैं। कुछ ससुराल में मेरे गुलगुले बोलते हैं, मेरे मायके में पुए बोलते हैं। गुलगुले गोल को कहते हैं, पुए थोड़ा सा फैला देते हैं सॉफ्ट, तो उसको पुए कहते हैं। जैसे पतले हैं तो ये पुए कहते हैं, और ये थोड़ा सा ये राउंड शेप में जो बनते हैं इनको गुलगुले कहते हैं। गुलगुले थोड़े से सख्त आटे के होते हैं और ये पुए थोड़े से सॉफ्ट आटे के होते हैं। तो ये पहले सॉफ्ट आटे के बनाए थे, तो ये सॉफ्ट होता है। अब ये पूड़ियाँ बनाऊंगी। और ये पुए गुलगुले हमारे हर त्यौहार पर बनते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, पुए बनाने शुभ माना जाता है। तो पहली पूड़ी गाय की, हर चीज़ गाय की निकलती है पहले डेली। और ये दूसरी पूड़ी अग्नि की, इसमें से सब पूरा परिवार हमारा एक एक टुकड़ा हलवा पूड़ी और पुए का भोग लगाएगा। और ये करसी से हनुमान जी की जोत होती है, इस पे घी जैसे ही लौंग से और हलवा पूड़ी का भोग लगेगा। अभी हलवा भी बनाऊंगी। और ये हो गई अग्नि की, अग्नि की पूड़ी थोड़ी सी करारी बनाऊंगी ताकि जोत आसानी से जले और घी का यूज़ होगा। ये हो गई अग्नि की पूड़ी। अब बाकी पूड़ियाँ पूजा की। पूड़ी के आटे में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस मल करके रख देती हूँ 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए। फूली पूड़ी सॉफ्ट पूड़ियाँ बनती हैं। सारी पूड़ियाँ आपकी फूलेंगी। और पूजा का काम पूरे साल में एक बार होता है, तो विधि विधान से अच्छे खुशी मन से करना चाहिए। अपने देवी देवताओं को खुश रखना चाहिए। पूड़िया मेरी बन गई है। हलवा बनेगा सूजी का, देसी घी में। विदेशी घी में पहले सूजी फूल लेंगे। भगवान का प्रसाद हमेशा देसी घी में बनाना चाहिए, और मीठा तो वैसे भी देसी घी का ही बनाना चाहिए। और भगवान का भोग तो देसी घी का ही लगता है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जितनी सूजी ली है उसका 4 गुना पानी इसमें डालेंगे। और सब काम ये नहा कर सुबह उठ करके, घर की सफाई करके, पूजा का स्थान साफ करके, जहाँ पूजा करनी है एक ही जगह पूजा करते हैं हम हनुमान जी की होली दिवाली, और ज़मीन पर बैठ कर। इसी चमचे से मैंने सूजी ली थी, और इसी चमचे से मैं इसमें पानी डालूंगी। 4 चमचे से पानी डाल दिया और चीनी, थोड़ा सा पानी और डलेगा। अभी 4 गुना पानी, डबल चीनी और बराबर का घी डलता है। वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है, बराबर घी, डबल चीनी, 4 गुना पानी। ये मेरा हलवा रेडी हो गया। देखिए बहुत अच्छा सुंदर कलर आया। और फिर पूजा करने जाना है बाहर, तो उसमें आटा, गुड़, हल्दी, उपले और बच्चों की माला, नए नए कपड़े पहन करके तैयार होके जाते हैं। मेरे बच्चे बड़े हुए तो माला वाला अब नहीं चलती है, 10-12 साल तक के बच्चों की भी चलती है। ये हलवा मेरा रेडी हो गया। आपके यहाँ जैसे रिवाज हो वो करिएगा, मेरे यहाँ जो रिवाज होती है मैंने आपको दिखाया है। बाकी बाजार से फल मिठाई जो घर में सामान बनता है सब भगवान का भोग में, पूजा में हनुमान जी का लगाया जाएगा और अग्नि की जाएगी करसी पे लौंग और देसी घी से।